इफ्तारी के लिए चिकन टिक्का बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे चिकन टिक्का बहुत शौक से खाते हैं, और इसलिए मैंने ये चिकन सारी लेकर इसको अच्छे तरीके से धो लिया है, और इसके अंदर मैंने कट्स लगा लिए हैं छुरी से, जैसे कि आप देख सकते हैं। और फिर मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने इसमें योगर्ट ऐड करना है। उसके बाद मैं इसमें सिरका ऐड करूँगी। सिरका इसमें हम तकरीबन 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका ऐड किया है, आप चाहें तो इसमें लीमू भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच जो है वो सोया सॉस की डालूंगी, और 1 टेबलस्पून इसमें मैं चिली सॉस डालूंगी, और उसके बाद मैं इसमें तकरीबन 1 चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड करूंगी, और 1/2 चम्मच जो है वो मैं इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल करूंगी। 1/2 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी। अब मैं इसमें तकरीबन 2 चुटकी के करीब बहुत थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड करूंगी, और इसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। ये देखिए कॉर्नफ्लोर, और जब भी मैं कॉर्नफ्लोर या अपने पैकेट्स में कोई भी चीज़ रखती हूँ तो मैं उसको ऊपर से क्लिप लगाकर बंद कर देती हूँ, और ये क्लिप लगाने से ये होता है कि हमारा बाकी का जो पैकेट है उसके अंदर चीज़ें ख़राब नहीं होती। ये क्लिप आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगा, और आपकी चीज़ अपनी चीज़ों को ईजीली इससे महफूज रख सकते हैं। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। इसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच टिक्का मसाला, ये टिक्का मसाला मेरे पास है, किसी भी ब्रांड का टिक्का मसाला आप ले सकते हैं, लेकिन कभी भी आपने पूरा पैकेट भर कर इसके अंदर ऐड नहीं करना। और टिक्का मसाला की जो है वो मैं 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये सब चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और इस मिक्सचर को मैं तकरीबन कम से कम 3 से 4 घंटे तक के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। अब मेरा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब मैंने इसके नीचे चूल्हे के ऊपर पैन रख दिया है, और इसमें मैं बहुत कम ऑयल डालूंगी, इसको मैं डीप फ्राई नहीं करूंगी। इसमें मैं 3 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी, और 3 टेबलस्पून ऑयल डालने के बाद मैं इसमें जो चिकन है ये मैं सारा एक एक करके इसमें सारे पीसेस रखूँगी, और फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम टू लो कर देना है, और इसमें मैं अपने तमाम चिकन पीसेस को रखूँगी। और अच्छी तरह से ये मसाला इसके ऊपर लगाकर मैं इसको पैन में डाल दूंगी। और जितना बाकी का बचा हुआ मसाला है वो सारा मैं ऐड कर दूंगी, और अब मैंने इसको कवर करके, ये देख सकते हैं आप, चिकन को कि वो इसमें फ्राई हो रहा है, और अब इसके ऊपर मैं इसको ढक दूंगी, और तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसको ढक दूंगी। उसके बाद मैं इसमें स्मोक लग दूंगी इसको कोयला रख के, और फिर हमारे मज़ेदार चिकन टिक्का रेडी हो जाएगा। चलो, ये मेरा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है, और अब मैं इसके मोहम्मद हाशिम बिलाल को सर्व करूंगी, और मैं अपने बाकी बच्चों को दूंगी। मेरे बच्चे ये बहुत शौक से खाते हैं, स्पेशली हाशिम बिलाल जो है
वो इसको बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि हाशिर बिलाल को चिकन बहुत पसंद है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ आप मेरी आने वाली वीडियो ज़रूर देखेंगे। और ये इफ्तार का टाइम हो गया है और हमने सारी चीज़ें तैयार कर ली है और माशाल्लाह से मैंने ये सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बनाई हैं, इसलिए मैं आपको दही भल्ले, चना चाट और फ्रूट चाट की रेसिपी सेंड नहीं कर सकी। ये समोसे और रोल भी मैंने अभी फ्राई किए हैं और आप सब लोग भी अपना रमज़ान जो है वो आप सबका बहुत अच्छा गुजरे। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Also, strawberry.